और दोस्त क्या हाल है? आप सब लोगों को हमारी इल्यूजन वाली वीडियो बहुत पसंद आई थी और आप लोगों ने हमें बार बार इल्यूजन के लिए रिक्वेस्ट किया, तो आज हम फिर हाजिर नए इल्यूजन के साथ। और हमने इस बार कुछ अलग और कुछ हटके इल्यूजन लिए हैं जिन्हें देख के आपकी आंखों का रंग बदल जाएगा। तो है ना कुछ हटके और मजेदार, तो ध्यान से देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें ताकि आप हमारी वीडियोस आसानी से देख पाएं। इस ऑप्टिकल इल्यूजन को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास रखी चीजें छोटी होने लगी हैं। तो इसे महसूस करने के लिए आपको बस स्क्रीन के बीच में फोकस करना है और वहीं देखते रहना है। और हाँ, अपनी पलकें जितना हो सके उतना कम झपकाएं। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप अपने आसपास की चीजें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो छोटी हो रही है। तो इसे एक मिनट तक देखते रहिए और हो सके तो वीडियो को फुल स्क्रीन पर जरूर कर देना। अब देखो आप जादू, अपने आसपास की चीजें जरा देखना तो शुरू करो। लग रहा है ना कि मानो छोटी हो रही हो। तो ये है दोस्तों ऑप्टिकल इल्यूजन। ये तो बस एक था, आगे और भी हैं। ये देखिए, इस इमेज में आपको कई सारे रेक्टेंगल्स दिख रहे होंगे, लेकिन एक मिनट, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि कितने रेक्टेंगल्स हैं, इसमें आपको ये बताना है कि कितने सर्कल्स हैं। चौंक गए ना? आप सोच रहे होंगे कि रहस्य भाई, इसमें सर्कल्स कहाँ हैं? जब इस इमेज को मैंने पहले देखा था तब मैं भी कंफ्यूज हो गया था और मुझे भी ढूंढने से भी कोई सर्कल नहीं मिला। पर क्या आपको मिला? अगर हाँ तो अभी कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। तो देखते रहिए और बताइए क्या आपको सर्कल्स दिख रहे हैं। अगर नहीं तो मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। तो ये देखिए, ये रहे सर्कल। है ना मस्त। तो अगर आप चाहें तो इस इमेज का स्क्रीनशॉट लेके अपना व्हाट्सएप स्टेटस बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी ट्रिक कर सकते हैं। अब ये एक्सीडेंट इल्यूजन वाली वीडियो देखिए, इसे देख के आप शॉक्ड रह जाएंगे। देखिए कैसे एक कार इतनी स्पीड से आ रही है, अब तो कुछ तूफानी होने वाला है। आप बताओ आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? सोचो सोचो। चलो देखते हैं क्या होगा। 1 2 3 उत्तरी है ना कमाल। तो ये जो पिलर्स लग रहे थे असल में वो पेंटिंग्स थी, जिसे देख के लग रहा था कि वहाँ पिलर्स खड़े हैं। मजा ही आ गया। तो दोस्त क्या आप ये जानते हो कि हमारी आंखों के पीछे सेल्स होते हैं और ये सेल्स ही हमारे ब्रेन्स को सिग्नल देते हैं कि हमारी आंखों को क्या दिखे। लेकिन इस सेल की लाइन में एक गैप होता है क्योंकि यहाँ से हमारी आंखों की ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन तक कनेक्ट करती हैं। अरे भैया वायर्स की भी तो जरूरत है ना इस कंप्यूटर को चलाने के लिए। और इसी पॉइंट पे हम सबकी आंखों में यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। अगर आपको यकीन नहीं होता कि इस ब्लाइंड स्पॉट की वजह से काफी इल्यूजन्स होते हैं तो आप ये देखो, आपको इस फोटो में कितने ब्लैक डॉट दिख रहे हैं? 1 2 अरे आपको 4 दिख रहे हैं। क्या बात है क्या बात ब्रो, इस फोटो में एक्चुअली 12 ब्लैक डॉट्स हैं। यकीन नहीं होता ना? तो अब ये देखो, जहाँ आपकी आंखें देखती हैं उसी पॉइंट पे हमारा फोकस होता है और बाकी पॉइंट उस ब्लाइंड स्पॉट की वजह से हमारी आंखों से गायब हो जाते हैं। दोस्त ये इल्यूजन की दुनिया है कमाल। कई बारी तो हमारा दिमाग सच मानने को तैयार ही नहीं होता। तो ये खुद ही देख लो, ये दोनों रेक्टेंगल्स अलग अलग कलर के लग रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एकदम ऑपोजिट होकर ब्लिंक कर रहे हैं। पर अब देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब तो रेक्टेंगल्स का कलर एकदम सेम हो चुका है, ये तो एकदम सेम फ्लैश कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर तो हमने सिर्फ 2 और रेक्टेंगल्स ही लगाए हैं। और अब इससे भी ज्यादा चमत्कार वाली बात ये है कि मैं अगर इन रेक्टेंगल्स को जोड़ दूं तो ये वापस से ऑपोजिट फ्लैश करना शुरू कर देंगे। ये देखो आप, है ना मस्त। पर ऐसा होता क्यों है? दोस्त ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो रेक्टेंगल बार्स की सराउंडिंग है ये एकदम ऑपोजिट है और इनकी वजह से हमारा दिमाग कलर्स को समझ ही नहीं पाता। लेकिन जब यहाँ पर हम साइड में और कलर को ले आते हैं तो हमारा दिमाग समझ जाता है कि अच्छा ये है सच। और जब ये फिर से जुड़ जाते हैं तो हमारा दिमाग बेचारा फिर से कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इस वीडियो को पॉज कर करके देखो, है ना सेम कलर्स। मान गए कि हमारा दिमाग सच में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर है। अगर अभी भी नहीं माने तो ये देखो, यहाँ पर स्क्वायर्स फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन जो सच में आपको नहीं दिख रहा वो ये है कि जो सेंटर वाला स्क्वायर है ना छोटा वाला, वो फ्लैश ही नहीं कर रहा, उसका कलर चेंज ही नहीं हो रहा। जैसे ही मैं बड़ा वाला स्क्वायर हटाऊंगा ना, अब ये देखो
बिल्कुल सॉलिड है ना, सुपर इल्यूजन। चलो अब इस इमेज को देखो, आपको कितने कलर्स दिख रहे हैं? मुझे तो दो दिख रहे हैं, शायद आपको भी दो दिख रहे हैं। लेकिन ट्रिक अब शुरू होती है। अब अपना ध्यान बीच के डॉट पर डालिए। अब बताओ, लग रहे हैं ना तीन कलर्स? तो दोस्त, जब आप बीच के डॉट पर ध्यान देते हैं, इमेज में बने सर्कल का कलर जैसे थोड़ा सा लाइट सा हो जाता है, जिस कारण से हमें तीन कलर दिखाई देते हैं। अब हमारे आखिरी इल्यूजन से पहले कुछ छोटे से इल्यूजन और देख लेते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ ये कोशिश करो कि आप सेंटर वाले डॉट पर फोकस करो और देखो ये सारे कलर्स कितनी जल्दी चेंज हो रहे हैं। लेकिन जब मैं इस फोटो को घुमाना शुरू करूंगा तो कलर्स बदलने ही बंद हो गए या चलो कम हो गए। मैंने तो आपको बताया ही है कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और इस सुपर कंप्यूटर फास्ट काम करने के लिए हमारी लर्निंग का फायदा उठाता है। हमारा दिमाग पहले ही मान जाता है कि आगे क्या होगा। कोई चीज अगर बेकार होती है तो वो उसे पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है, यानी कि उसे यूजलेस करार कर देता है। अगर यकीन अभी तक नहीं हुआ मेरी बातों का तो ये देखो, अगर आप इस फोटो में सेंटर वाली डॉट पर लंबे टाइम तक फोकस करोगे तो ये जो बाहर वाली लाइन है ये अपने आप ही गायब हो जाएगी। ट्राई करके देखो, 30 सेकंड्स तक बस सेंटर वाली डॉट पर फोकस करो। और ये देखो, धीरे धीरे करके पूरी वैनिश हो गई। ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब आता है सबसे बढ़िया, सबसे एक्साइटिंग आई कलर चेंजिंग ऑप्टिकल इल्यूजन। मुझे पता है आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसमें आपको बीच में लगे इस आयरिस को बस देखते रहना है। इसे करने के बाद आपकी आंखों का रंग कुछ टाइम के लिए चेंज हो जाएगा, तो इसे ध्यान से देखते रहिए। अब अपने आसपास की चीजों को देखिए और अपनी आंखों को देखने के लिए शीशे के सामने जाइए और देखिए आपकी आंखें व्हाइट की जगह हल्की हल्की पिंकिश हो गई हैं। तो दोस्त, अगर आपको ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन पसंद है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें, वहाँ आपको इसके अलावा कई और ऑप्टिकल इल्यूजन भी मिल जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर अपने अजीब से नाम वाले फ्रेंड्स ग्रुप पर जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहते हैं।